मुझे किसी की प्रॉब्लम में दखल देना पसंद नहीं, क्योंकि जब मैं दखल देता हूँ तो खून की नदियां बहती हैं। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जवान, पठान और डंकी के बाद भी शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पर तूफान रहेगा बरकरार। सालों बाद देखने को मिल सकता है बाजीगर का सिक्वल। शाहरुख खान अब स्लो होने के मूड में नहीं है। हालांकि हम पिछले दशक में नजर डाले तो शाहरुख खान की कई सारी फिल्में अंडर परफॉर्म थी। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही थी। लेकिन फिर शाहरुख खान ने सोचा और उन्होंने अपने आप में कमी भी ढूंढी और उन्होंने 4 साल का रेस्ट लिया, और इसके बाद शाहरुख खान ने पठान फिल्म रिलीज की और पठान बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। इसके बाद आती है जवान फिल्म। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया। और अभी साल के अंत में आएगी डंकी फिल्म। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आराम से 600 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। हालांकि बता दें कि बॉलीवुड में सिर्फ एक ही फिल्म है जो 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है, और वो है गदर 2, शाहरुख खान की फिल्मों को छोड़कर। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में 500 करोड़ का क्लब कितना बड़ा माना जाता है, और शाहरुख खान की फिल्में ऐसे ही क्रॉस कर लेती है, और ये सब शाहरुख खान के स्टारडम का कमाल है। लेकिन शाहरुख खान के हर फैंस के मन में सवाल होगा कि डंकी के बाद क्या। तो बता दें कि डंकी के बाद भी शाहरुख खान एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो ज्यादा एक्साइटिंग है। खबर आ रही है कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म साइन करने वाले हैं, और ये दोनों बाप बेटे को एक साथ एक फिल्म में लाया जाएगा। हालांकि ये फिल्म का टाइटल अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर ये फिल्म का टाइटल बाजीगर 2 बताया जा रहा है। फिल्म का टाइटल कोई भी हो, लेकिन जब बाप बेटे की जोड़ी पर्दे पर एक साथ आएगी तो फैंस में काफी बज रहने वाला है, और ये फिल्मों को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट भी ज्यादा बनने वाली है। तो बस इंतजार कीजिए शाहरुख खान का। शाहरुख खान अगले साल यानी कि 2024 में भी एक से बढ़कर एक फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों को लेकर? ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।